लेकिन मेरी माता ने अधिक समय निकाला, यद्यपि घर पूरा बाइबल स्कूल, पास्टर्स, बहुत सारे लोग से भरे हो रहते थे जब मैं बड़ी हो रही थी, और मैंने मेरी तकरीबन आधी ज़िंदगी, या जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक, मैंने मम्मी को हमेशा किचन में ही पाया। हमारे उठने से पहले उठती, हमारे सोने के बाद सोती थी, लेकिन इतने व्यस्त होने के बावजूद वो समय निकालती थी कि वो मेरे साथ बैठे, बाइबल की कहानियाँ सुनाएं, और भी अलग कहानियाँ सुनाकर, शी इज़ टू इंस्टिल गॉडली वैल्यूज इन मी। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे अनेक बातों को कहानियों के द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत करती थी और मुझे सिखाती थी। प्रार्थना करना मुझे सिखाया उनके जीवन में, एक प्रार्थना जीवन मैंने देखा। जैसे मेरे भाई ने कहा, मुझे वो आज भी वो दिन याद है जब मैं बीमार होती थी तो मम्मी रात भर मेरे साइड में रहकर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। एक और चीज, कई सारी चीज है, समय नहीं है इसलिए मैं सब में नहीं प्रवेश कर रही। कभी भी मम्मी ने कुछ बातें जो मेरे भाई बहनों ने नहीं कहा, मैं उनको लाना चाहती हूँ। मेरे मम्मी को अनेक लोगों ने आके मम्मी को ब्लेस करते थे फाइनेंशियली, कभी 1,000, कभी 500, 100, जत भी करके, लेकिन वो सब इकट्ठा कर जब भी प्रभु के कोई भी दास या कोई भी ज़रूरतमंद हमारे घर में आते थे, हमको नहीं देती थी वो, लेकिन वो उन ज़रूरतमंदों को देती थी। मैंने कई बार पूछा, मम्मी मुझे कुछ चाहिए पैसा, मुझे रफ कॉपी खरीदना है कुछ ना कुछ ड्राइंग करने के लिए, तो मम्मी कहती, बेटा प्रार्थना करो, प्रार्थी की प्रार्थी की, हमको हर चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलती थी, और हम प्रार्थना कर कर परमेश्वर हमारे लिए कहीं ना कहीं से प्रबंध करता था, लेकिन ज़रूरतमंद जब घर में आते थे जो बचत करती थी वो उनको देती थी। देना मैंने अपनी माता से सीखा है। काश मेरे पास समय होता तो मैं कई सारे उदाहरण बताती। हिम्मत, शी टॉट मी टू बी बोल्ड ब्रेव। मैं छोटी थी, मेरे को मार्केट भेजती थी, ऐसा मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, और मैं धन्यवाद तो मेरे माता के जीवन के लिए, जिसके वजह से आज दुनिया भर में अकेले जाने के लिए मेरे अंदर कोई भय नहीं, क्योंकि उस रीति में हमें, मुझे मम्मी ने बढ़ाया। जहाँ भी जाती थी हमेशा पूछती थी, वहाँ अपने कोई मिले, नमड़े आरे लोबड़ा कंडो आरे कंडू, सबका हालचाल पूछना, प्रार्थना करते रहना। इस अवस्था में भी जब मैं वापस आती, एंगन उंडायरन मीटिंग अनुग्रह मायरनो, सब चीज़ पता करती थी, अनेकों के लिए उदाहरण थी। बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में, लेकिन वो सब अभी बोलने के लिए वक्त नहीं। एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, ये चीज़ मैंने मम्मी से सीखा, हाथ में पैसा होने के बावजूद कभी भी एक भी चीज़ मैंने उनको अपने लिए खरीदते हुए नहीं देखा। आई नेवर सॉ हर बाइंग इवन वन साड़ी फॉर हर सेल्फ, बट आई सॉ हर गिविंग अवे। क्योंकि अनेक लोग जब अमेरिका से, उधर मिडल ईस्ट से आते थे तो मम्मी को साड़ी देते थे, मम्मी वो रखकर, कोई प्रभु की दासी आती या कोई और आता तो वो नया नया साड़ी उठा के उनको देती थी। ऐसे अनेक गुण मैंने मेरे माता के अंदर, एक प्रार्थना का, एक प्रार्थना स्त्री, प्रार्थना करना, देना मैंने सीखा, बचत करना सीखा, कई सारे बातों को मैंने मेरे माता से सीखा। मैं अपने मम्मी का, मैं बहुत बहुत उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके आदर्श के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और अगर सच बताऊँ तो नीति वचन 31 प्रोवर्ब्स 31 में जो लिखा हुआ है, मेरा प्रार्थना रहता था कि मैं प्रभु मेरे जीवन में ऐसा एक औरत बनना चाहती हूँ। अगर ऐसा एक औरत बन, अगर इफ देयर कैन एवर बी सच अ वुमन, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट। आई ऑलवेज प्रेड अबाउट प्रोवर्ब्स 31 बिकॉज आई सॉ इन फ्रंट ऑफ माई आईज द वुमन, द क्लोजेस्ट वुमन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ टू प्रोवर्ब्स 31 इज माई मदर। एंड टूडे वन हर बॉडी इज लाइंग हेयर, आई वॉन्ट टू कमिट माई सेल्फ एज हर डॉटर टू फॉलो इन हर फुट स्टेप्स,
to continue the ministry that God started through them and to be faithful till the end.